वर्ष बाढ़ से जिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है क्षेत्र का सर्वेक्षण करें। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि पंचनामा कराएं, उनकी भावनाओं को समझें और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। कृषि मंत्री ने नागपुर ग्रामीण के मौजा, पंजरी, लोधी और वारंगा में क्षतिग्रस्त खेतों का निरीक्षण किया, फिर उस समय बोल रहे थे। इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमल किशोर फुताने, अनुमंडल पदाधिकारी इंदिरा चौधरी, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी मिलिंद शेंडे, उप तहसीलदार सचिन शेंडे, योजना बोर्ड के सदस्य, पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। प्रारंभ में पंजरी लोधी के किसान प्रशांत मारुति ठाकुर के कपास फार्म का निरीक्षण किया गया। 8-10 दिन से खेत में पानी जमा होने से वहां की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, वहां फिर से खेती करनी पड़ती है। इसके साथ ही खेत में पानी घुसने से वारंगा के सरपंच राजेश भोयर की फसल भी नष्ट हो गई है। तलाटी कृषि सहायकों को उचित सर्वेक्षण और पंचनामा करना चाहिए। भौतिक निरीक्षण के साथ साथ क्षेत्र की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के साथ उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने संबंधितों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस कार्य में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ताकि भारी बारिश और बाढ़ से जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनका मुआवजा मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने सीधे किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना और तालुका कृषि अधिकारियों से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर गांव के किसान, नागरिक, तलाठी, कृषि सहायक, ग्राम सेवक उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।